इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स में से एक मिस्टर पीटर लिंच के बारे में। उन्होंने अपने फंड मैनेजमेंट के करियर में कंपाउंडेड सालाना 29.2% का रिटर्न कमाया है, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हिस्ट्री में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न रहा है। पीटर लिंच ने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। इतने जल्दी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट की, इसकी भी एक स्टोरी है। मिस्टर पीटर लिंच आज अपने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका बचपन स्ट्रगल से भरा हुआ था। जब वो 10 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हुई, तो ऐसे टाइम में अपनी माँ को फैमिली चलाने के लिए हेल्प करने के लिए वो अलग अलग तरीके के जॉब करने लगे। बचपन में वो एक गोल्फ क्लब में कैडी की जॉब करने लगे। कैडी का काम होता है कि जो भी गोल्फ प्लेयर्स आते हैं उनके बैग उठाना और बाकी चीजें मूव करने में उनकी हेल्प करना। वो जिस गोल्फ क्लब में काम करते थे वहां पर जो लोग आते थे वो ज्यादातर लोग इन्वेस्टर्स थे, और वो इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते थे, जिससे पीटर लिंच को बचपन में ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। उन्होंने खुद से भी उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उन्हें जरूर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरह बहुत कम उम्र में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। कुछ दिन पहले हमने जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर रे डैलियो की स्टोरी कवर की थी, वहां पर भी उनकी स्टोरी भी लगभग सेम ही है। वो भी बचपन में गोल्फ क्लब में कैडी का काम करते थे। वहां पर जो इन्वेस्टर्स खेलने आते थे उनसे मिस्टर रे डैलियो को स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बारे में पता चला, और उन्होंने भी बचपन से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और आगे चल के बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। सो ऑन अ लाइटर नोट, हम ये कह सकते हैं कि आपको बचपन में कैडी के जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़िएगा मत। अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने एयर कार्गो इंडस्ट्री में की। बचपन में उन्होंने एयर कार्गो इंडस्ट्री का एनालिसिस शुरू किया और उसके बाद फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस के कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। आगे चल के उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और मिस्टर पीटर लिंच को वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की फीस भी अपने इन्वेस्टमेंट पर मिले हुए रिटर्न से ही पे की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1966 में उन्हें फिडेलिटी इस फंड मैनेजमेंट कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। उसके बाद उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया, साथ ही आर्मी में 2 साल बिताए। उसके बाद फिडेलिटी में ही उन्हें इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की जॉब मिली। अपने इस जॉब में वो टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटल्स और केमिकल, इन सेक्टर्स पर ध्यान दे रहे थे। फिडेलिटी में उनकी लगातार हो रही अच्छी परफॉर्मेंस के चलते 1974 में उन्हें डायरेक्टर ऑफ रिसर्च की पोजीशन मिली, और 1977 में वो एक फंड मैनेज करने लगे जिसका नाम था मैजेलन फंड। उस फंड में उस टाइम सिर्फ $18 million के एसेट्स थे, लेकिन जैसे मिस्टर पीटर लिंच उस फंड को मैनेज करने लगे फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने लगी। उस अच्छे परफॉर्मेंस के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग उस फंड में इन्वेस्ट करने लगे, और ये $18 million के एसेट्स 1990 तक यानी 13 साल बाद $14 billion तक पहुंच गए, यानी इसमें कई गुना इजाफा हुआ। इजाफा सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ही नहीं हुआ बल्कि रिटर्न्स में भी हुआ। इस 13 साल में मिस्टर पीटर लिंच ने कंपाउंडेड सालाना 29.2% रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न माना जाता है। यानी अगर आपने 1977 में मैजेलन फंड में 1 lakh rupees इन्वेस्ट किए होते तो वो अमाउंट 1990 तक 28 lakh rupees हो जाती। तो कुछ इस तरह के रिटर्न्स मिस्टर पीटर लिंच ने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। अपने फंड के जरिए उन्होंने फोल्ड, फैनी मेई, फिलिप मॉरिस, वोल्वो, केम्पर, इन जैसे कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की और वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमाए। अपने सक्सेसफुल करियर के बाद 1990 में यानी 13 साल मैजेलन फंड को मैनेज करने के बाद उन्होंने 46 इयर्स की एज में रिटायरमेंट ले ली, और उसके बाद अपना मेन फोकस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज और लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर करने पर लगाया। अब बात करते हैं पीटर लिंच के इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बारे में। वो कहते हैं कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिन चीजों के बारे में, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। जनरली आप जिस फील्ड में काम कर रहे होते हो उस फील्ड के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप किसी स्टील कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको स्टील इंडस्ट्री की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप स्टील इंडस्ट्री का एनालिसिस दूसरे लोगों से अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक कम्पिटिटिव एज मिल जाती है, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उन बिजनेस को आप आसानी से समझ पाते हो, उनसे रिलेटेड आपके पास एक्सपर्टीज भी हो सकता है, तो उस एक्सपर्टीज का यूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही हमारी जनरल लाइफ में हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और वहां से आपको अच्छी कंपनीज के आइडिया मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस अच्छी लगती है आप उसका एनालिसिस शुरू करो, और एनालिसिस करने के बाद आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो मिस्टर पीटर लिंच ने ये दोनों चीजें फॉलो की हैं। जिस फील्ड का उन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपर्टीज था उस फील्ड में उन्होंने कंपनीज ढूंढी और उनमें इन्वेस्ट किया। साथ ही जनरल लाइफ में जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज उन्हें अच्छे लगे उनका भी उन्होंने एनालिसिस किया, और उसमें से जो कंपनीज उन्हें अच्छी लगी, जिसमें उन्हें ग्रोथ नजर आई, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया।
अपनी पहली इन्वेस्टमेंट से लेकर लास्ट इन्वेस्टमेंट तक यही स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की है और इसी को वो कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इसके अलावा कंपनी के वैल्यूएशन में मिस्टर पीटर लिंच का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन को कैसे आप आसान तरीके से कर सकते हो वो सिखाया और इसके लिए उन्होंने प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो इंट्रोड्यूस किया। पीईजी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमें ये बताता है कि कोई पर्सन उस कंपनी के लिए उसके प्रॉफिट के मुकाबले कितनी गुना अमाउंट पे कर रहा है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है तो उसका मतलब है कि आपको उस कंपनी को खरीदने के लिए उसके प्रॉफिट के 20 गुना ज्यादा अमाउंट पे करनी होगी। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 है तो उसका मतलब है कि आपको उस कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी उस कंपनी को खरीदने के लिए। पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में कंफ्यूजन ये है कि कैसे पता करें कि कितना पी रेशियो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पी रेशियो कम है तो कंपनी अच्छी है, जो कंपनीज बहुत ही खराब परफॉर्म करती है उनका भी पीई रेशो कम ही होता है। तो इस प्रॉब्लम को मिस्टर पीटर लिंच ने अपने पीजी फॉर्मूला से सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को ग्रोथ से डिवाइड किया है। अब ये ग्रोथ फैक्टर आपको कहीं पर रेडीमेड नहीं मिलता है, ना ही इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला है। ग्रोथ आपको खुद को पूरी कंपनी को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करनी है। तो मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर ढूंढनी है तो उसके लिए आप एक चीज देखो और वो ये कि कंपनी का ग्रोथ रेट हमेशा कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15 है तो कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट यानी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो सालाना 15% से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस केस में कंपनी का ग्रोथ रेट कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से काफी ज्यादा होता है तो उस कंपनीज को वो अंडर वैल्यूड कंपनीज कहते हैं। वही जिन कंपनीज में कंपनी का ग्रोथ रेट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से कम होता है तो उन कंपनीज को वो ओवर वैल्यूड कंपनीज कहते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालोगे तो पीजी रेशियो को वहां पर जरूर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है वो आपको पूरी कंपनी को एनालाइज करके उसके प्रोडक्ट्स सर्विसेज और कंपनी से जुड़ी बाकी चीजों का एनालिसिस करके निकालना होता है। मिस्टर लिंच जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके लिए एक एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में आप कंपनीज की स्टोरीज पर फोकस करो कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक 1000 रुपए से 2000 रुपए हुआ है तो आप ये पता करो कि ऐसा क्यों हुआ है। जिस किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे वहां पर ये पता करो कि उस कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ी है या फिर कम हुई है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्यों हुई है। उनके अनुसार आपको शुरुआत में पेपर पोर्टफोलियो से शुरुआत करनी चाहिए। यानी आप पेपर पर लिख कर रखो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो किस स्टॉक में आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते और कुछ टाइम बाद आप चेक करो कि आपकी उस अमाउंट की वैल्यू अब बढ़ गई है या फिर कम हुई है और अपना ये पोर्टफोलियो अब लॉन्ग टर्म में ही ट्रैक करो। मिस्टर पीटर लिंच ने ग्रोथ स्टेज कंपनीज पर फोकस किया था, यानी जो कंपनीज काफी तेजी से ग्रो हो रही है उनमें वो इन्वेस्ट करते थे और जैसे उनकी ग्रोथ स्टोरी खत्म होती थी वो उन कंपनीज को बेच देते थे। उनके अनुसार अगर आपको 10 साल 20 साल 30 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट शायद वो जगह नहीं है। उनके अनुसार ऐसे में आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अपने रिटायरमेंट के बाद वो फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी के पार्ट टाइम वाइस चेयरमैन रहे और साथ ही उन्होंने फिलेंथ्रोपी पर अपना फोकस जारी रखा। अपने कॉलेज जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया उस कॉलेज को उन्होंने $10 मिलियन डोनेट किए। साथ ही उन्होंने लिंच फाउंडेशन शुरू की और उसके लिए उन्होंने कई सारे एजुकेशनल और हॉस्पिटल इनिशिएटिव शुरू किए। साथ ही उन्होंने 3 किताबें भी लिखी है जिसमें उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर किया है। उनकी तीनों बुक यानी लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट बहुत अच्छी बुक्स हैं। और इनमें से 2 बुक्स यानी लर्न टू अर्न और वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, इन दोनों बुक्स की समरी हम पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप हमारे सारे कोर्सेज 14 डेज के फ्री ट्रायल में देख सकते हो। हमारे सारे कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। नीचे दी गई लिंक्स आपको स्किलशेयर इस प्लेटफॉर्म पर रिडायरेक्ट करेगी। हमारे कोर्सेज देखने के लिए वहां पर आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करते वक्त आपसे कार्ड डिटेल्स मांगी जाएगी, साथ ही आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान होगा उसके पैसे तुरंत नहीं कटेंगे, 14 दिन तक आप हमारे कोर्सेज फ्री में देख पाएंगे और 14 दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन फी आपके कार्ड से कट हो जाएगी। तो ट्रायल पीरियड में यानी पहले 14 दिन तक आपको हमारे कोर्सेज का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। जो भी आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस कटेंगे वो 14 दिन के बाद कटेंगे और उसे आप चाहो तो 14 दिन से पहले कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस फ्री ट्रायल पीरियड का आप जरूर फायदा लें। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मिस्टर पीटर लिंच और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में पता चले। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।